देख के अवसर भूल ही भूल ही देख के अवसर भूल ही बोहरी न आवे ए अवसर जानत है आग लग से तो भी छूटे न छल क्यों है कर वतन विसारिया रे छल किए हेरा छले किए हेरा वतन विसारिया रे छले किए हेरा धनी आप बुध भोलिया धनी आप बुध भोलिया सुध नार ही दिहार छले किए वतन विसारिया रे छले किए ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आइया छल देखन आइया छल देखन जुदे जुदे घर कर बैठिया जुदे घर कर बैठिया खेले भुलाए दिया वतन छले किए हेरा वतन विसारिया रे छले किए से रक्त करके हो धाम से रक्त करके हम कब आवे दुजबे हम कब आवे दुजबे सब भूले सुध हार जीत की सब भूले सुध हार जीत की तुम्हें कहा फेर छले किए हेरा वतन विसारिया रे छले किए माहो माहे कई प्रीत रीत सो माहो माहे कई प्रीत रीत सो खेले हसे
रस रंग खेले हसे रस रंग पहचान जिनों को पेड़ की पहचान जिनों को पेड़ की धनी को रिझावे से वसंग छले किए वतन विसारिया रे छले किए देख के अवसर भूल देख के अवसर भूल बोहरी न आवे ए अवसर बोहरी न आवे अवसर जानत है आग लग सी जानत है आग लग सी तो भी छोट न छल क्यों एकर छले किए हेरा वतन विसारिया रे छले किए हेरा महामत कहे जो होवे धाम की महामत कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लिए जो लाहा पहचान के लिए जो लाहा ले सको सो लीजियो सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समया चले किए हेरा वतन विसारिया रे चले किए हेरा धनी आप बुद्ध बोलियां धनी आप बुद्ध बोलियां शुद्ध ना रही बीतिहा चले किए हेरा वतन विसारिया रे sa ga ga pa pa da da ni ni sa ga ga pa pa da da ni sa ga ga pa pa da da ni sa ni da pa ga pa da ni da pa ga pa ga sa sa le ki he ra ni sa ni sa sa da ni da ni ni pa da pa da da ga pa ga pa pa sa ga ga pa pa da da ni ni sa da ni ni sa da ni ni sa
चले के हेरा सारे गा पदा से गा बदा नि सारी धनी सारी धनी धनी नि बदा बदा दा गा पा गा पा पा साग साग गा पा पा दा धनी नि सा पद धनि नि सा सा दा गा सा दा नि सा सा नि सा सा धनि नि धनि नि पद पद दा गा पा पा साग गा पा पा दा धनि नि सा नि दा पा गा सा छले के हेरा वतन बिसारिया रे छले के हेरा छले के हेरा छले के हेरा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। कैसा प्रेम तुमसे व्रज में करते श्रीराज, कौन भात तुम चलते करते माया का काज, करते माया का काज। कुटुंब परिवार सब थे रहते चित्त उदास। प्रणधर सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना किस तरह से वाणी का अवतरण होने के पश्चात बिहारी जी की कृपा से सुंदर साथ को वाणी नहीं मिल पाई, लेकिन जागने का दौर शुरू हो गया। श्री जी जूनागढ़ पहुँचे, जूनागढ़ में किस तरह से हरजी व्यास जी को प्रबोधित किया, उसके बाद कैसे सुंदर साथ के ऊपर आए गए कष्ट को टालने के लिए श्री जी ने पुनः माया का कार्यभार संभाला, किस तरह से जेल में गए, कांजी भाई ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला, फिर कैसे श्री जी दीप बंदर पहुँचते हैं जयराम भाई कंसारा के पास, और वहाँ पर कैसे उनकी जागृति हो रही है उसका प्रसंग चल रहा है। और जयराम भाई कंसारा को प्रबोध करने के क्रम में श्री जी ने चर्चा शुरू की, उसके पश्चात भोजन किया। भोजन आरोगने के पश्चात जब सुंदर साथ ने कहा कि आप कृपया कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए, पौढ़ लीजिए, श्री जी ने कहा हम न आए पौढ़न को, हमारी तो और गरज, पुनः आगे चर्चा शुरू करें। और उस चर्चा के क्रम में ब्रज लीला का वर्णन सुना रहे हैं, जिसका कल हमने संक्षेप में वर्णन सुना था। अब श्री जी आगे कह रहे हैं चर्चा में कि कुटुंब परिवार सब थे रहते चित्त उदास। हमने कल भी सुना था कि किस तरह से संसार के पारिवारिक संबंध से किस तरह उदासीन रहते थे, कैसे विरक्त भाव से रहते थे, केवल कर्तव्य समझ करके सेवा किया करते थे उनके। कहते हैं कोई ना लगता तुमको इन माया को नेम। इस संसार में नियम तो बहुत सारे हैं और सारे नियम लोगों ने समाज को चलाने के लिए बना रखा है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां तो इस संसार के कायदे कानून से उल्टा चलती हैं। उल्टा चलने का तात्पर्य यह नहीं कि अमर्यादित रूप से रहती हैं, उल्टा चलने का तात्पर्य क्या है कि संसार के लोग जिस कर्मकांड की राह को अपना रहे थे पहले से, जिस लौकिक मर्यादा के चक्कर में फंस करके एक वास्तविकता को भूल गए थे, किसी भी
समाज में अथवा देश में राष्ट्र में कोई नियम अथवा कानून बनते हैं उनको बनाने के पीछे कारण होता है मानवता की भलाई, लेकिन शाब्दिक नियमों के अथवा कानूनों के बंधन में पड़ने के बाद अगर मनुष्य केवल उन्हीं नियमों के उन्हीं मर्यादाओं के ही चक्कर लगाते रहे तो वास्तविक भलाई नहीं हो सकती। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों के लिए श्री जी साहब कह रहे हैं, कोई ना लगता तुमको इन माया को नेम, इस माया के कोई भी नियम तुम पर लागू नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस संसार के हिसाब से अगर देखें लौकिक व्यवहार की दृष्टि से तो उस हिसाब से गोपियों को कभी भी कृष्ण जी से मिलने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लौकिक व्यवहार के हिसाब से तो हम दूसरे दिन की चर्चा में भी सुन चुके हैं कि एक पतिव्रता स्त्री को पति चाहे कैसा भी हो, लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी बहरा अज्ञानी मूर्ख बात बात पे क्रोध करने वाला हो, कैसे भी अवगुण हो, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए और पर पुरुष की संगति नहीं करनी चाहिए, संसार का नियम है। अगर लौकिक दृष्टि से जीव और शरीर भाव से देखें तो कृष्ण जी जिन गोपियों ने भी एक समय में माया के प्रभाव से प्रभावित होकर के उन्हें पर पुरुष तो कह दिया था, लेकिन आत्मिक संबंध से तो वही उनके आत्मा के प्रियतम थे, परब्रह्म ही उस तन में बैठ करके लीला कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर माया के कोई भी कायदे कानून कोई भी नियम नहीं लग रहे थे। इसीलिए ब्रह्मवाणी के किरंतन ग्रंथ में श्री जी अपनी अवस्था बताते हुए और उनकी राह पर चलने वाले ब्रह्म मुनियों की अथवा परमहंसों की राह बताते हुए कहते हैं, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई, बेर बेर बरजत हो रे बाबा ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई, आप मेरे पीछे पीछे अथवा मेरे रास्ते पर मत आइए, क्योंकि जो भी मेरे निकट आएगा मेरे पास आएगा मेरे राह पर चलेगा वह तो बिगड़ जाएगा। और यहाँ बिगड़ने का तात्पर्य क्या है, श्री जी कहते हैं कि मैं कहूँ दुनिया भई बावरी, मुझे लगता है और मैं कहता हूँ कि दुनिया पागल है, ओ कहे बावरा मुहे, और दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं, अब एक मेरे कहे कौन पतीजे, मेरी एक बात को भला कौन विश्वास करेगा, यह बहुत झूठे क्यों हुए, ये इतने सारे लोग हैं बहुमत इनकी है तो ये सोचेंगे कि हमारी बात सही है और ये गलत है, ये स्वयं पागल है। तो संसार की मर्यादा संसार के नियम भी इसी तरह के हैं, ये जो कायदे कानून पहले से बन रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा पापी हो गया है, ये बिगड़ गया है, धर्म भ्रष्ट हो गया है, पथ भ्रष्ट हो गया है। तो उन गोपियों को किसी भी तरह की लौकिक मर्यादा अथवा संसार के नियम नहीं बांध सकते थे, वे तो हमेशा कहते हैं रहो सदा छके जोश में आठों जाम इन प्रेम, आठों प्रहर अर्थात पूरे 24 घंटे कृष्ण जी के प्रेम में ही वे गोपियां छकी रहती थी, उसी के आनंद में मस्त रहती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके रास में जाने की भूमिका बधी। और जब रास में प्रवेश कर रहे थे तो श्री जी कहते हैं तो फिर आए जब रास में किया गौपद वत्स संसार। गौपद वत्स का तात्पर्य क्या है कि एक गाय का बछड़ा होता है, आजकल तो बारिश का मौसम है, बरसात में एक बछड़े के खुर से जितना बड़ा गड्ढा बन जाता है उस गड्ढे को पार करने में कितना परिश्रम लगता है, कोई लंगड़ा व्यक्ति भी अपने एक पांव के सहारे कूद करके उस गड्ढे को पार कर सकता है, एक बिल्कुल छोटा बालक भी 5 साल का कोई बच्चा होगा वो भी उसको कूद करके पार कर सकता है। इसी तरह से उतनी ही सरलता से जब श्री कृष्ण जी ने योगमाया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई तो गोपियां इस संसार का तन छोड़ करके योगमाया में जाकर के अपने प्रियतम से मिली, और वह तभी संभव हो सका जब पूरे ब्रज की लीला में उनकी सुरता कृष्ण जी पर टिकी हुई थी। अगर माया का लेश मात्र होता तो उन्हें इसमें समय लगता।
कहते हैं क्यों कर योग माया मिने बदले तुम आकार, जोग माया ने बीच में नए क्यों कराए श्रृंगार। किस तरह से तुमने योग माया के ब्रह्मांड में नया तन धारण किया था, इस संसार का नश्वर तन नहीं था तो नया तन धारण किया। किस तरह से तुमने राज्य के साथ में उथले वचन कहे, राज्य ने कैसे उथले वचन कहे और तुमने सामने कैसा प्रत्युत्तर दिया, और उसके बाद कैसे तुम्हें राज्य ने वृंदावन दिखाया। किस तरह से तुमने रास की लीला की ब्रज की गोपियों के साथ मिल करके, और कैसे तुम्हारे साथ में कुछ पल के लिए अंतर ध्यान की लीला हुई, विरह की आग में तुम्हें कुछ पल के लिए जलना पड़ा, फिर पुनः कैसे राज्य वापस आए और उन्होंने कैसे नई शोभा के साथ में नए आनंद की लीला की। ये सब चर्चाओं का वर्णन करके, इन सब लीलाओं का वर्णन करके श्री जी ने जयराम भाई कंसारा और उनके परिवार के अन्य सुंदर साथ को प्रबोधित किया। अब कहते हैं श्री महामति कहे ए साथ जी, ए दीप की बीतक अजू और बहुत है सो कहूं ग्रहे माफक। आगे और भी लीला है, अभी जयराम भाई कंसारा की बीतक पूरी नहीं हुई है, आगे और भी वर्णन है, क्योंकि रासलीला के बीच में राज्य अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान के आगे की चर्चा करते हुए श्री जी कहते हैं फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर भाना शोक, फिर राजस्व मिलके करने लगे जोक। अंतर्ध्यान के बाद कैसे राज्य तुम्हारे सामने प्रकट हो गए, किस तरह से यमुना के तट में स्नान के बाद भोजन की लीला की, कैसे राज्य ने तुमसे पूछा कि वृंदावन कैसा लगा, किस तरह से तुमने जवाब दिया, फिर कैसे परमधाम में गए, परमधाम में जाने के बाद किस तरह से तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी माया में का खेल देखने की, तो क्यों तुम्हें पुनः इस ब्रह्मांड में आना पड़ा, तो इस ब्रह्मांड में आने के बाद किस तरह से तुम खेल को देख रहे हो। आगे जाकर के एक दृष्टांत आएगा ठट्ठा नगर में पहुंचने तक मार्कंडेय का, जिसको हम आगे के प्रसंग में सुनेंगे, लेकिन क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से बीतक सुनते आ रहे हैं शायद ये प्रसंग सबको पता है। जैसे उनको जगाने के लिए पूरी उनकी लीला को दोहराया गया था, जयराम भाई कंसारा को भी जगाने के लिए परमधाम के इश्क रब्द से लेकर के जयराम भाई कंसारा के तन में आने तक की लीला को दोहराया श्री जी ने, कि किस तरह से अब जागनी के ब्रह्मांड में भी हम सबको जगाने के लिए पहले राज्य श्री देवचंद्र जी के तन में आए, उनके द्वारा जागनी हुई, तब भी हम जागृत नहीं हो सके तो अब राज्य ने दोबारा मुझे भेजा है। इस तरह से चर्चा चल रही है। श्री लालदास जी कहते हैं इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन, संपूर्ण दिन बीत गया लेकिन किसी को भी इस बात का आभास नहीं कि पूरा दिन बीत गया है। हम तो यहाँ पर 1.5 घंटा बैठना होता है तब भी हम आसन बदलते रहते हैं, सोचते हैं कि कब महामति आए और जान छुड़ाए, मतलब कब अंतिम चौपाई दोहराई जाए और हमारी जान बचे, लेकिन यहाँ पर श्री जी की चर्चा सुनते हुए पूरा दिन बीत गया है। अब शाम के समय में भी फिर से चर्चा शुरू हो गई, इसीलिए उन सब सुंदर साथ की महिमा श्री लालदास जी गा रहे हैं। चर्चा करने वाले तो साक्षात धामधनी अक्षरातीत हैं, लेकिन सुनने वाले की भी महिमा है। कहते हैं ता समय साथ की सिफत कही न जाए या मुख, उन सुंदर साथ की महिमा भी इस श्रीमुख से वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर जो धैर्य था, उनके अंदर जो समर्पण था, वैसे समर्पण का अगर कुछ प्रतिशत भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अब संबत 1722 में श्री जी दीप में पधारे हैं, 2 वर्ष तक वहां पर रहते हैं, अभी तो एक ही दिन की बीतक सुना रहे हैं, 2 वर्ष तक वहां रहते हैं, तो किस तरह से श्री जी ने उन सब सुंदर साथ को प्रबोधित किया उसका वर्णन कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इसी घटनाक्रम में जब जयराम भाई कंसारा के घर के लोग जागृत हो रहे थे, तो उनके साथ साथ में अब आसपास के लोग भी आना शुरू हो गए।
धीरे धीरे करके सुंदर साथ का जमावड़ा बढ़ता गया, जिसमें कई सुंदर साथ का नाम श्री लालदास जी ने यहाँ पर लिखा है। सुंदर साथ का सभी सुंदर साथ का नाम पढ़ पाना संभव नहीं है। मुख्य बात यह है कि सुंदर साथ का आगमन वहाँ पर बढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि वहाँ जो पहले के पंडित थे, श्री जी के पहुंचने से पहले वहाँ आसपास में जो कथा वाचक थे, श्री लालदास जी कहते हैं कथा बांचने के आसन सो हुए दुश्मन। वहाँ जो पहले से आसन पर बैठ करके कथा कहा करते थे, धर्म ग्रंथों की चर्चा किया करते थे, उन्होंने दुश्मनी ले ली। वो सोचते हैं कि इनके आने के बाद तो सारे लोग इनके पास ही जा रहे हैं, अब किस तरह से इनको हमारे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो भक्ति कैसे कर रहे थे। श्री जी की चर्चा का उद्देश्य था जागृति और उनके कथा का उद्देश्य था पेट भरना। जैसे कि वाणी का कथन है, गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान। वो तो भगवान का नाम लेकर के उनकी कथा कह करके दान लिया करते थे, अब उनकी जब दुकान बंद हो गई उन्होंने सोचा कि अब किस तरह से इनको रास्ते से हटाएं। क्योंकि एक और विशेष बात होने लगी थी कि जो सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आते थे, जो भी नए लोग आते थे, तो श्री जी से अखंड व्रज अखंड रास की चर्चा सुनने के बाद उन लोगों से जाकर के प्रश्न पूछ लिया करते थे कि आप बताइए ब्रज अगर अखंड है तो कहाँ पर है, रास अगर अखंड है तो कहाँ पर है। जब जिनका जवाब हरजी व्यास जैसे विद्वान नहीं दे पाए, जिनका जवाब कांजी भट्ट जैसे लोग नहीं दे पाए, तो छोटे मोटे कथावाचकों के लिए संभव ही नहीं था। और इन प्रश्नों का समाधान तो बिना तारतम ज्ञान के नारायण भी नहीं कर सकते, जिनके आदेश से वे ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के रहस्य को वो स्वयं भी नहीं जान सकते। इसीलिए उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने सोचा कि अब इनको अगर हटाना है तो इनकी चुगली करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक दीव में आप अब भी जाएंगे तो जहाँ पर जयराम भाई कंसारा का घर था, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक किला है और वो किला पुर्तगालियों का कहा जाता है। पुर्तगाल का एक शासक था वहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में, और वो क्योंकि हिंदुओं से चिढ़ता था तो उन पंडितों ने सोचा कि हम जाकर के पहले उनके सामने इनकी निंदा करते हैं। तो उन्होंने एक चुगलखोर को तैयार किया कि तुम जाकर के फिरंगी से अर्जी करो, उस अंग्रेज से अर्जी करो, जाकर के कहो कि एक कोई साधु आया है जो तुम्हारे देवताओं की निंदा किया करता है। इन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा कह देंगे तो वो फिरंगी, क्योंकि हिंदुओं के प्रति ईर्ष्या की भावना द्वेष की भावना से ग्रसित था और क्रूर था, उन्होंने सोचा कि वो हमारे रास्ते से इनको हटा देगा। अब चुगलखोर गया दरबार में उस फिरंगी बादशाह से मिलने के लिए, तो वहाँ पर राज्य के जोश ने, जबराइल जिसको हम कहते हैं, राज्य के जोश ने उसी चुगलखोर के मित्र का वेश धारण किया और सुंदर साथ को बचाया। सुंदर साथ को कैसे बचाया, उस दोस्त को पूछा हालचाल कि तुम किस लिए आए हो दरबार में, तो अब उसने तो अपनी मित्रता समझ करके सारी बात बता दी कि एक कोई साधु आया है जो हमारे देवताओं की निंदा किया करता है, तो मैं फिरंगी बादशाह से उसकी शिकायत लेकर के आया हूँ। तो उस मित्र ने कहा, उस जोश ने, कि क्या तुमने अपने कान से सुना है या अपनी आंखों से देखा है उस साधु को निंदा करते हुए तुम्हारे देवताओं के। तो उस चुगलखोर ने कहा कि नहीं, मैंने स्वयं तो नहीं देखा नहीं सुना है। तो उस चुगलखोर ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि ये फिरंगी हिंदुओं के प्रति कितना क्रूर है, अगर तुम्हारी झूठी शिकायत पर, अगर तुम्हारी शिकायत झूठी निकली और तुम्हारी शिकायत पर उसने अगर कार्यवाही की, तो उस साधु को जो पीड़ा होगी उसके पाप का भागीदार कौन होगा। इतना कह करके जब उसको समझाया गया, वो व्यक्ति समझ गया और वहां से लौट गया। लेकिन इधर
लोगों को ये खबर पहुंच गई थी, जो भी नए नए लोग जयराम भाई कंसारा के घर में आते थे उनको ये खबर मिल चुकी थी कि कोई व्यक्ति श्री जी की चुगली लेकर के फिरंगी बादशाह के पास पहुंचा है। उन्होंने सोचा कि अगर सैनिकों को पता चला, अगर सैनिक खोजते हुए यहाँ पर आए और हमें पकड़ लिया तो फिर हमारे ऊपर तो शायद कड़ी कार्रवाई होगी, हमें दुख सहन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा सुनने आना ही बंद कर दिया, कोई नहीं आया। एक जयराम भाई कंसारा और उनके परिवार के लोग, सिर्फ एक परिवार ही उस ईमान पे टिका रहा और वही चर्चा सुनता रहा, बाकी सभी लोग पीछे हट गए। श्री लालदास जी कहते हैं, एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग, बस उस परिवार के लोग ही टिके रहे, बाकी सब लोगों ने हथियार डाल दिए माया के सामने। लेकिन जब राज्य की कृपा से वो चुगलखोर बिना चुगली किए वापस आया, कुछ समय के बाद अब फिर से जैसे उन्होंने देखा कि मामला शांत हो गया है, पुनः चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। और जब चर्चा सुनने के लिए आने लग गए, स्वयं अब सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारा खुद का मजाक उड़ाए, उससे अच्छा है कि हम खुद की मजाक बना लें। तो उन्होंने कहा कि हम तो इस जगह पर जाके छिप गए थे, हम तो समुद्र के टापू में दूसरे टापू में चले गए थे, हम फलानी जगह पे चले गए थे, ऐसा कह करके अपना बचाव करने लग गए। अब सबने अपनी भूल मानी, चर्चा शुरू हो गई। लेकिन श्री जी ने सोचा कि 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए, अगर एक ही बंदरगाह पर हम अटके रहे इतने लंबे समय तक तो सुंदर साथ की जागनी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रजमंडल में गोपियां साथ में थी, रास में भी साथ में लीला की थी, तो परमधाम में जब जागृत हुए थे हम ब्रज और रास के बाद, तो हमने यही मांगा था कि दुख का खेल देखना है, जुदागी का खेल देखना है। ब्रज में भी साथ में थे, रास में भी साथ में थे, हमें साथ नहीं चाहिए, हमें अलग अलग होना है। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में ऐसा ही हुआ। अब कोई ब्रह्म सृष्टि किसी प्रांत में आई है, कोई किस प्रांत पे, कोई स्त्री के तन में, कोई पुरुष के तन में, ब्रज लीला के अंदर तो सभी ने गोपियों का तन धारण किया था, अब तो अलग अलग तनों में है, कोई स्त्री में है, कोई पुरुष में है, कोई गुजरात में प्रकट हुई है, कोई ब्रह्म सृष्टि आई है, कोई राजस्थान में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई भारत वर्ष से बाहर, किसी की भाषा कुछ और है, किसी की भाषा कुछ और है, कि कोई आत्मा हिंदुओं के तन में आई है, किसी ने ईसाइयों के घर में प्रवेश किया है, कोई इस्लाम मत में आई है, तो इस तरह से हर तरह से बंटवारा हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी अलग अलग, भाषा की दृष्टि से भी अलगाव हुआ है, प्रांत की दृष्टि से भी अलग हुआ है और जाति की दृष्टि से भी अलग हुआ है। अब श्री जी कहते हैं कि जब अलग अलग रूप में आई है ब्रह्म सृष्टि, अगर एक बंदरगाह पर हम 2-2 साल लगा देते हैं तो ये संभव नहीं कि सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हो। कहते हैं अगर हम एक बंदरगाह में अटके रहे, जागनी नहीं होगी, अब हमें यहां से जाना चाहिए। अब इसलिए उन्होंने सुंदर साथ से अनुमति मांगी। सुंदर साथ अनुमति देने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन श्री जी के सामने तो लक्ष्य है कि सुंदर साथ की जागनी होनी है। जब मूल स्वरूप ने दिल में ले लिया कि यहाँ से आगे निकलना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब कारज कारण प्रसंग ऐसा बना, श्री लालदास जी कहते हैं, इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आरबन। अरबी लुटेरे थे उस समय, और ये घटना तो लगभग 350 वर्ष पहले की है, लेकिन जब से अरब के लोगों को पता चला कि भारत में रहने वाले लोग काफी धनाढ्य हैं, जिसको एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बार बार वे लूटने के लिए आया करते थे। कभी समुद्री मार्ग से आ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से होते हुए आ रहे हैं। तो अरबी लुटेरे आए दीप बंदर में, दीव में उन्होंने हमला किया, और लुटेरों ने जो लूट सकते थे वो लूटा, और उसके बाद कुछ लोगों को बंधक बना करके ले गए।
बंधक इसलिए, जैसे आजकल किडनैपिंग के बारे में हम सुनते हैं बार बार कि फिरौती की रकम मांग रहे हैं, तो उन्होंने भी लोगों को बंधक बनाया कि उनको छोड़ने के एवज में वो पैसे ले सकें। उनका कार्य ही वही था। और उस लूट में, उन अरबी लुटेरों के चक्कर में कई सुंदर साथ आए, और जिनमें से बाईजुराज जी भी एक हैं। तो उन सब सुंदर साथ को छुड़ाने के लिए श्री जी ने कहा कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो उनको नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि उन लुटेरों ने जो फिरौती में रकम मांगी थी वो बहुत अधिक थी। तो श्री जी ने कहा हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, और सुंदर साथ से अनुमति लेकर के निकले। दीप बंदर से चल करके श्री जी पहुंचे हैं नवी पोरबंदर पाटन। वहां पर जाकर के प्रयास किया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और साथ में ये खलबली मच गई सुंदर साथ के बीच में कि बहुत सारे सुंदर साथ को अरबी लुटेरों ने अपहरण कर लिया है। अलग अलग जगह से उनको छुड़ाने का प्रयास होता है और बहुत सारे लोग छुड़ाए भी जाते हैं। अनेकों सेठ साहूकारों के द्वारा, जिनका प्रसंग आगे आएगा। अभी जो प्रसंग चल रहा है, श्री जी पहुंचे हैं नवी पोरबंदर पाटन, और वहां से चल करके श्री जी पहुंचते हैं कच्छ में। कच्छ में पहुंचने के बाद थावर भाई एक सुंदर साथ हैं जो श्री जी के साथ शामिल हो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो श्री जी का साथ देते हैं। फिर वहां से मंडई नाम के स्थान पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंच करके कहते हैं मंडई मिने आए के साथ के पकड़े हाथ। वहां जो सुंदर साथ थे देवचंद्र जी के समय के, उनका हाथ पकड़ते हैं। बाईजीराज जी और कुछ सुंदर साथ को छुड़ाना तो एक बहाना था, उनके मन में तो जागनी के लिए जो जोश है, उस लक्ष्य के प्रति जो समर्पण है, वही सबसे पहले स्थान पर है। ये तो सिर्फ बहाना था दीप बंदर से बाहर निकालने का। अगर ऐसा नहीं होता तो मंडई में जाकर के सुंदर साथ के बीच में चर्चा नहीं कर रहे होते। उनको पता है कि राज्य सब सुंदर साथ की रक्षा करेंगे, हमें तो बस लक्ष्य के लिए, सुंदर साथ की जागने के लिए, राज्य की सेवा के लिए लगे रहना है। मंडई में आकर के सुंदर साथ की जागृति करते हैं। उनमें एक सुंदर साथ है प्रागमल, फिर है कुंवर बाई, और उनके अलावा और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिन्होंने माया के प्रभाव में आकर के, दज्जाल अज्ञानता के प्रभाव में आकर के, पहले देवचंद्र जी के द्वारा सुनी गई चर्चा को भुला दिया था। अब श्री लालदास जी कहते हैं तहां खंडनी करके फिर जीवते किए सबको, खंडनी करके सबको जीवित किया। जीवित करने का क्या तात्पर्य है कि हम कयामत के निशान में सुनते हैं कब्र से मुर्दा उठना, जीवित करने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, जीव के ऊपर आत्मा बैठी हुई है। अगर आत्मा के विराजमान होने के बावजूद भी जीव अपने आप को शरीर ही समझता रहता है, केवल शरीर भाव में वह रत रहता है, शारीरिक सुखों की पूर्ति में ही डूबा रहता है, उन्हें क्षणिक सुख के स्वाद के चक्कर में ही फंसा रहता है, तो उस जीव को मरा हुआ कहने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि जैसे मरे हुए व्यक्ति को कोई सुध नहीं है, वैसे ही जिंदा रहते हुए भी उसको अपने मूल लक्ष्य की कोई सुध नहीं है, उसके विषय में कोई पता नहीं है, ना कोई खोज खबर है, इसलिए उसको मृतक कहा। और श्री जी के द्वारा खंडनी के शब्दों को सुन करके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने लक्ष्य का उन्हें पता चला, इसलिए कहते हैं फिर जीवते किए सबको। श्री लालदास जी कहते हैं श्री जी ने उन सुंदर साथ को कहा ए हाल तुम्हारा क्यों हुआ, रह के माया मो, माया में रहते हुए आप सब सुंदर साथ की ऐसी हालत कैसे हो गई, क्योंकि ये जो माया है ये माया कैसी है। कहते हैं अब जागो दिन आईया धाम चलने का, अब परम धाम चलने का दिन आ चुका है, अब कब तक तुम इस माया का खेल ही देखते रहोगे। क्योंकि ये माया कैसी है, माया किसकी हुई है, अब तक आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो ये कह सके कि ये माया मेरी हुई है। अगर भौतिक धन संपदा की ही बात करें तो भी संपत्ति के विषय में, लक्ष्मी के विषय में कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला है,
अर्थात एक जगह पर टिकने वाली नहीं है। श्री जी कह रहे हैं एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतीत। प्रतीत का मतलब है विश्वास, भरोसा, यकीन, कि इस माया का विश्वास नहीं है, माया का यकीन, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आज तक किसी की भी नहीं हुई है, और जब ये आज तक किसी की नहीं हुई है तो तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी, तुम्हारी कैसे हो जाएगी, और तुम इस माया का क्या करोगे। इस माया का अगर ये माया तुम्हारे पास रहती भी है तब भी कहते हैं रहो दुख देखने इत जित, इस माया में तुम रहोगे तब भी दुख ही देखोगे। और तुम सब सुंदर सा तो चतुर हो, तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन धाम। आप सब सुंदर सात का तन मूल तन परम धाम में है। प्रकाश की वाणी कहती है तुम सयाने मेरे साथ जी जिन रहियो विषय रसलाग, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। कि आप सब सुंदर साथ चतुर हैं, प्रवीण हैं, और आप सब सुंदर साथ को माया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम सब सुंदर साथ का मूल तन तो परम धाम में है। और अपने मूल तन को, मूल अस्तित्व को भूल करके, मूल संबंध को भूल करके माया में अगर रहते हैं तो तिनको भूल के माया में करो कुफर काम। कुफर का मतलब है बेईमानी, कुफर का मतलब है अज्ञानता। तो आप बेईमानी का काम कर रहे हो, बेईमानी का मतलब ईमान का न होना। ज्ञान दृष्टि से ये पता चलते हुए कि हमारा मूल तन परम धाम में है, लेकिन अगर हम शरीर का ही व्यवहार करते हैं, शरीर भाव का ही व्यवहार करते हैं, तो इसे कुफ्र अथवा बेईमानी कहा गया है। और आगे कहते हैं तुमको ऐसा न चाहिए जो भूलो अपनो ठोर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और हम सब ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए श्री जी नाम ले रहे हैं मंडई के सुंदर साथ का, प्रसंग वहाँ का है, लेकिन हम सब सुंदर साथ को संबोधित कर रहे हैं कि परमधाम की लीला को छोड़ करके। इंद्रावती जी प्रकाश की ही वाणी में स्वयं के जीव को प्रबोधित करते हुए कहती हैं धिक धिक पढ़ो मेरे पांचों इंद्री, धिक धिक पढ़ो मेरी देह, श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो स्नेह। वही भाव इस चौपाई में भी बताया गया है कि परम धाम को छोड़ करके, परम धाम की लीला को छोड़ करके हमें संसार के और कार्य नहीं करने चाहिए। अब कहते हैं तुम देखो वो घर अपना, हमको क्या बताया श्रीराज। श्रीराज जी जब देवचंद्र जी के माध्यम से लीला कर रहे थे तो उन्होंने हमें क्या बताया, हमारी जागनी कैसे की, कैसे हमें परम धाम के विषय में बताया, उसको तुम सोचो। इस तरह से कहते हैं हम खड़े कौन भौम में, हम आए थे कौन काज, राज जी ने हमें प्रबोधित कैसे किया, हम अभी कौन सी भूमि में है, कौन से ब्रह्मांड में है, और हम किस कार्य के लिए आए थे इस संसार में। हमें कई बार सुंदर साथ अगर पूछ देते हैं कि इस संसार में किस लिए आए हैं, सबका अधिकांश लोगों का जवाब होता है हम संसार का खेल देखने के लिए आए हैं। ये तो एक छोटा सा कारण हुआ, संसार का खेल देखने के लिए क्यों आए हैं तो इस कारण का भी कारण क्या है, अपने इश्क की पहचान करने के लिए आए हैं, विशेष कारण ये है। तो इसलिए श्री जी पूछ रहे हैं कि हम आए थे कौन काज, हम तो स्वयं के इश्क को बड़ा साबित करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए आए थे, इश्क के स्वरूप की पहचान कराने के लिए आए थे, तो हम मूल संबंध को, मूल निस्बत को, मूल कार्य को, मूल लक्ष्य को ही भूल गए हैं। इस तरह से केवल एक दिन मंडई में रहे और एक दिन की चर्चा में उन्होंने सुंदर साथ को इस तरह से प्रबोधित किया, और वहां से चर्चा करके मंडई से श्री जी पहुंचे हैं कपैया। कपैया में मिहिरराज जी के बड़े भाई रहते थे हरवंश ठाकुर, और हरवंश ठाकुर अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि
लौकिक संबंध से मेरे बड़े भाई हैं तो इनकी खंडनी नहीं होगी, इनको हम प्रेम से समझाएंगे, ऐसा नहीं। चर्चा करी तिनके घरों कहे खंडनी के वचन, सबे हुए जागृत दो दिल हुआ रोशन। अब उनकी भी जागृति खंडनी के ही वचनों से हो रही है, ऐसा नहीं है कि सामान्य जो दूसरे सुंदर साथ हैं केवल उनको खंडनी के वचन कह रहे हैं, धामधनी की दृष्टि में तो सभी बराबर हैं। अब मिहिरराज और हरवंश ठाकुर के संबंध से चर्चा नहीं हो रही है, अब चर्चा हो रही है राज्य और ब्रह्म सृष्टियों के संबंध से। तो उनकी जागृति के लिए खंडने के वचन कहे और उनको जागृत करने के बाद कहते हैं भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार, बिहारी जी के पास जाकर के उनका दर्शन कीजिए, आपको तो धामधनी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। उनको प्रबोधित किया, वहां से फिर कपय्य से श्री जी पहुंचे हैं भोजनगर। भोजनगर में वृंदावन जी हैं जो कि हरिदास जी के पुत्र हैं। हरिदास जी जिन्होंने अपने ही शिष्य से बाद में तारतम ग्रहण किया था, तो वृंदावन जी भी सुंदर साथ हुए और वृंदावन जी के साथ जब मुलाकात हुई श्री जी प्रसन्न हुए। उन्होंने वृंदावन जी ने श्री जी का बहुत अच्छी तरह से सत्कार किया, उनको भोग लगाया, भोजन कराया और उसके बाद उनसे बात पूछने लग गए कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। श्री जी ने सारी बीतक सुनाई, श्री सदगुरु महाराज के अंतर ध्यान के बाद से लेकर के बिहार जी के गादी पर बैठने के बाद किस तरह से जागनी लीला हुई, सारी घटनाओं को सुना करके कहते हैं उनकी भी खंडनी की। फेर के चर्चा भई वचन खंडनी के, वैराग पूरा राज को सुघात बतावे। राज जी को किसी के साथ भी राग नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है। राग और द्वेष का अगर संबंध होता है, दोनों में फर्क क्या है, किसी के साथ अगर राग हो, हमारा राग का मतलब एक तरह से मोह, अगर राग होता है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति किसी के गुण को भी दोष के रूप में ही देख लेता है, अथवा किसी राग होने पर किसी के दोष को भी अनदेखा कर देता है और किसी के साथ द्वेष होने पर उसके अवगुणों को भी हंसते हुए टाल देता है कि चलो ये अपना व्यक्ति है। लेकिन राज्य को किसी के साथ में मोह का संबंध तो नहीं है, उनको किसी से लौकिक वस्तुओं की चाहना नहीं है श्री जी को, इसलिए ना कोई अपना देख रहे हैं, लौकिक संबंध से अपना भी नहीं देख रहे हैं, लौकिक संबंध से पराया भी नहीं देख रहे हैं, एक आत्मिक संबंध है जिसकी पहचान से सबकी खंडनी कर रहे हैं। और खंडनी करने के बावजूद भी हमारे जैसे नहीं है सब सुंदर साथ, अगर किसी दिन हमारी खंडनी हो जाए भरी सभा में, अगले दिन से हम चर्चा में आना बंद कर देंगे। लेकिन यहां पर कह रहे हैं सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में। हाल की चर्चा का तात्पर्य क्या है, तीन शब्द हैं वाणी में, कौल फैल और हाल, विशेष रूप से ये तीन शब्द हमेशा साथ साथ में चला करते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहें तो कथनी, करनी और रहनी कहा जाता है। कथनी का तात्पर्य मुख से कोई बात कहना, करनी का तात्पर्य है उसको आचरण में लाने का प्रयास करना, और रहनी का तात्पर्य है जो बात हमने मुख से कही वो आचरण में बस जाना। करनी और रहनी में फर्क ऐसा है, जैसे हमने कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, ये होगी कथनी। करनी का तात्पर्य ये है कि कभी झूठ का विचार मन में आए, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार झूठ बोला होगा, उसके संस्कार हैं हमारे जीव के चित्त में, तो कभी झूठ का विचार भी मन में आए तो हम बुद्धि के द्वारा आदेश देते हैं कि नहीं, झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना ही धर्म का लक्षण है, तब हम फिर सत्य बोलते हैं, ये हो गई करनी। क्योंकि करनी के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद में सत्य बोलते बोलते अवस्था ऐसी हो जाती है कि झूठ का विचार ही कभी मन में न आए और अनायास दिल से हमेशा सत्य ही निकले, तो वो अवस्था हो गई रहनी की, जिसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सबको पता है एक बात, विशेष रूप से चूंकि प्रसंग चला है हाल का रहनी का, तो विशेष बात जो मेरे मन में आ रही है आप सब सुंदर साथ को कहने के लिए,
कि मनुष्य के अंदर धर्म के लक्षण स्वभावतः होते हैं, स्वाभाविक रूप से। जब बालक पैदा होता है वो झूठ बोलना नहीं सीखता है, उसको बाद में झूठ बोलना सिखाया जाता है, और माता पिता ही सबसे पहले झूठ बोलना सिखाते हैं। मान लीजिए अगर कोई अवांछनीय व्यक्ति या अनवांटेड गेस्ट अंग्रेजी में कहें तो, जिसको हम चाहते नहीं है, वैसा कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है अथवा कोई हमारे घर में फोन करता है, तो हम अपने बच्चे को कह देते हैं अथवा बच्चों के सामने घर वाले किसी और सदस्य को कह देते हैं कि बोल दो हम घर में नहीं है। बच्चों को कह देते हैं कि फोन उठाकर बोल दो पापा घर में नहीं है, तो बच्चे वहां से झूठ बोलना सीख जाते हैं। बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं होता है। अगर कोई 5 साल का व्यक्ति है, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे गोरे रंग का, चाहे भूरे रंग का, कुछ भी हो, उसके अंदर वो भेदभाव नहीं होता है। बाद में भेदभाव डाला जाता है, बड़े लोग डालते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों के अंदर क्षमा का स्वाभाविक गुण होता है। एक छोटा बच्चा है, उसको आप उसकी किसी गलती पर चांटा लगा देंगे, थोड़ी देर के लिए बच्चा रोएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद में हंसते हुए फिर अगर आप बुलाएंगे तो आपके गोदी पर वो आ जाएगा। तो धर्म के सारे लक्षण उसमें स्वभाव से होते हैं। जैसे एक बालक है, उस बालक के सामने आप एक उसके हाथ में चाकू दे दीजिए और एक फल कोई भी रख दीजिए और साथ में एक खरगोश का बच्चा रख दीजिए या कोई भी जानवर का बच्चा, वो बालक क्या करेगा, उस फल को वो खाएगा चाकू से काट करके और उस जानवर के साथ में वो खेलेगा। हिंसा उसके दिल में हम लोग डालते हैं, दूसरे लोग डालते हैं कि जानवर को मारना चाहिए। तो हिंसा हो, चाहे असत्य हो, चाहे वो क्षमा हो, चाहे वो किसी भी तरह के भेदभाव जैसे कुरीति हो, इसको किसी बालक के मन में बाद में डाला जाता है। तो मैं ये बात बीच में इसलिए लेकर के आया क्योंकि धार्मिक से जो भी रहनी होती है वो अनायास जो हृदय से निकलती है उसको कहते हैं रहनी अथवा उसको कहते हैं हाल। तो यहाँ हाल का तात्पर्य क्या है, श्री लालदास जी कहते हैं सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में। उस समय सुंदर साथ की हालत, सुंदर साथ की अवस्था ऐसी हो गई थी कि खंडनी के बिना जागृति होने संभव नहीं थी, इसीलिए खंडनी होने के बावजूद भी सबको ये बातें मीठी लग रही है कि ये खंडनी हमारे ही भलाई के लिए हुई है, क्योंकि उस समय उनकी अवस्था ही वैसी हो गई थी, हाल वैसा हो गया था। अब कहते हैं जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजकूर। मन में जो मलिनता थी, मलिनता का मतलब है माया के जितने भी विकार हैं वो मलिनता है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि अथवा आत्मा कहते हैं, सुरता कहते हैं, रूह कहते हैं, वे जीव पर आकर के विराजमान हुई है और जीव जिस शरीर पर विराजमान होकर के खेल कर रहा है उसे किसी भी तरह की लीला करने के लिए, क्रिया करने के लिए अथवा अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को जानने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता होती है। बिना अंतःकरण के उसके अहम का, उसके अस्तित्व का उसे एहसास अनुभव ही नहीं होगा, तो वह काम है अहंकार का। और उसकी जो किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। अब अगर संपूर्ण चाहे इंद्रियां हो चाहे अंतःकरण हो उन सबको इकट्ठा किया जाए तब जाकर के जीव की लीला संभव है। अब जीव की लीला को संभव करने के लिए, किसी भी क्रिया को संभव करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। वेद का कथन है यस्मिन नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन के बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं है। तो अगर
किसी भी तरह से हमारे चित्त में, हमारे हृदय में किसी भी तरह के संस्कार हैं, किसी भी तरह के विकार हैं, तो उसको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में मन का योगदान है। बिना मन के कोई भी चीज क्रियान्वित नहीं हो सकती, मन से ही मनन की शुरुआत होती है। लेकिन ये प्रोसेस, ये कार्य इतनी तीव्र गति से होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि मन का काम है कि चित्त का काम है, अथवा अहंकार का काम है, बुद्धि का काम है, किसका काम है हमें पता नहीं चलता है। पाश्चात्य सभ्यता में जब हम देखते हैं तो उनके पास तो और कोई शब्द भी नहीं है कहने के लिए। वो बुद्धि को भी माइंड कह देते हैं, मन को भी माइंड कह देते हैं, और अहंकार तथा चित्त के लिए उनके पास कोई अलग से शब्द भी नहीं है। हाँ, भारतीय दर्शनों में इन सब को अलग अलग करके बताया, और योग दर्शन के अंदर इनकी चित्त की भी अलग अलग अवस्थाओं के विषय में वर्णन है, मन की अलग अवस्थाओं के विषय में वर्णन है, बुद्धि की अलग अलग लीलाओं के विषय में वर्णन है। तो चित्त में जो भी मलिनता है उसी को मन की मलिनता की संज्ञा दी है। अब हमारे अंदर विकार कौन कौन से हैं, मलिनता कौन कौन सी है, तो इंद्रियों के माध्यम से होने वाले विकार, जिसको वाणी में कहा, जीवे आत्म अंधिकरी मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां तीन लही आत्म को घेर। अब हमारी इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, और उनके पांच विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आज तक तारतम ज्ञान से जागृत होने के बाद भी हमारी स्थिति ऐसी है, उसको अगर छोड़ दें तब भी तारतम ज्ञान के प्राप्त होने से पहले हमारी अवस्था कैसी थी कि प्रत्येक प्राणी का जो स्वाभाविक स्वाभाविक गुण ही हमारे अंदर था, कोई विशेष लक्षण नहीं थे। हमारी आंखें संसारिक रूप को देखना चाहती थी, अब भी देखना चाहती हैं। कान संसारिक शब्दों को सुनना चाहते थे, अब भी सुनना चाहते हैं। त्वचा कोमल स्पर्श को लेना चाहती है, जिह्वा स्वाद लेना चाहती है, नासिका सुगंध लेना चाहते हैं। अब ये तो विषय हो गया, ये विकार नहीं है, ये विषय है। कान का विषय है सुनना, आंख का विषय है देखना, तो ये इंद्रियों के विषय हो गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय हैं, इनको विकार नहीं कहा जा सकता। विकार किसको कहते हैं, इसके विषय में हम आगे बढ़ते हैं, अभी आगे सुनेंगे। तो अब तक ये सिर्फ विषय हैं, बिना विषय के तो हम किसी भी चीज को जान ही नहीं सकते। अगर हम सात्विक भोजन भी कर रहे हैं, जिह्वा पर रखते ही उसके स्वाद को तो हम जानेंगे, क्योंकि उसका विषय ही वही है। मधुर संगीत की तो लालसा हो सकती है, लेकिन कोई कर्कश स्वर भी कान से तो सुनेंगे, क्योंकि कान का विषय ही है सुनना। तो विषय को विकार नहीं कहा जाता है। विकार किसको कहते हैं, विषयों से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। कैसे, इसको उदाहरण से समझा जाएगा आगे। मान लीजिए कि मुझे कुछ खाने की इच्छा हो गई, एक स्वाद हमने लिया किसी भी खाद्य पदार्थ का, मान लीजिए जलेबी का स्वाद हमने एक बार लिया। पहली बार जब हमने खाया तो खाते हुए वह जो स्वाद लिया वो उस जिह्वा का विषय था। एक बार खाने के बाद वह स्वाद हमें अच्छा लगा तो उस स्वाद का जो संस्कार है अच्छा लगने का, वो पड़ा चित्त में। अब अगली बार मन में ये विचार आएंगे कि हमें वो जलेबी का स्वाद पसंद है, तो उसको खाने के लिए जो लालच बढ़ेगी, अब विकार शुरू हुआ। उस वो अगर प्राप्त हो जाता है, जलेबी की प्राप्ति अगर हो गई, उसको हमने खाया, प्राप्ति हो जाने पर एक तरह से उस कामना की तृप्ति हुई। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जलेबी हमारे पास कोई लेकर के आ रहा है, मान लीजिए यहां पर सभी विद्यार्थी बैठे हैं, उसी उदाहरण से मैं बताता हूं कि एक मित्र हमारे लिए जलेबी लेकर के आया, लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया कि नहीं, इसको जलेबी नहीं देना है। विषय था उसके अंदर, जलेबी को खाने का स्वाद का विषय था, लेकिन गुरुजी ने जैसे ही मना किया उसको क्रोध आया। क्रोध विकार है। विकार क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये उन विषयों से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। अगर प्राप्ति हो गई तो काम की इच्छा हुई, मतलब उसको पाने की चाहना और बढ़ी। नहीं प्राप्ति हुई, क्रोध बढ़ा, जिसने लाकर के दिया उसके साथ हमारा मोह हुआ, क्योंकि हमारे लौकिक इच्छाओं की वो पूर्ति कर रहा है, तो उसके साथ हमारा मोह हुआ।
और उसकी प्राप्ति होने पर एक तरह का अहंकार बढ़ा और जिसने बाधा डाली इस प्रसंग में उस विषय को प्राप्त करने में उसके साथ हमें द्वेष हुआ। अब मान लीजिए जलेबी लेकर के आता है, एक दोस्त को मिलता है दूसरे को नहीं मिलता है, एक को बड़ा दिया जाता है दूसरे को छोटा दिया जाता है। अब जिसको छोटा मिला है उसको जिसके साथ जिसको बड़ा प्राप्त हुआ है उसके साथ द्वेष हुआ, ईर्ष्या हुई उससे। एक ही उदाहरण से, एक स्वाद के उदाहरण से हमने सभी विकारों को समझा, सभी विषय के विकारों को। इसी तरह से सभी विषयों को समझना चाहिए। अभी हमने जीवा का विषय समझा, नासिका का विषय भी वैसा ही है। जलेबी की जगह पर आप किसी परफ्यूम से ले लीजिए। तो इस तरह से विषय अलग हैं, विषय से शुरू होने वाले विकार अलग हैं। तो विकार रूपी जो मलिनताएं थी वे सारी मलिनताएं चर्चा सुन करके समाप्त हो गई। अब वहां पर दो तीन दिन रहने के बाद श्री जी उन सब सुंदर साथ को प्रबोधित करके नलिया पहुंचे। नलिया पहुंचने के बाद चूंकि वहां किसी की जागृति अभी नहीं हुई, वहां से चल करके श्री जी पहुंचते हैं ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर में एक सुंदर साथ हैं नाथा जोशी। श्री जी उनको जानते हैं, उनके विषय में पता है, आकर के पूछ रहे थे ठट्ठा नगर में कि नाथा जोशी का घर कहाँ है। और इतने में संयोग बस वही आकर के सामने से मिले। उनसे मिलते ही अब दोनों को एक दूसरे को देख करके सुख हुआ। श्री जी को सुख हुआ, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मिली है। और उस सुंदर साथ को चूंकि अब तक स्वरूप की पहचान नहीं है, तो लौकिक भाव से क्योंकि गुरु भाई लगते हैं तो इस भाव से सुख उत्पन्न हुआ। अब नाथा जोशी कहते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पर पधारे हैं। उनसे बातें पूछने लग गए कि आपका यहाँ पर आना किस तरह से हुआ। श्री जी ने दीप बंदर से लेकर के ठट्ठा नगर पहुंचने तक के सारे बीतक को, सारे विवरण को सुना दिया। अब श्री लालदास जी कहते हैं, अब कहूं बीतक ठट्ठे की याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमी नासुत सुभान। श्री राज जी ने इस नासुत नस्वर नाश होने वाले संसार में जो हमें खेल दिखाया और हमें खेल दिखाने के लिए राज जी ने किस किस तरह की लीला की, खेल से जगाने के लिए कैसे लीला की, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी आए ठट्ठा नगर में, नाथा जोशी के पास रहते हैं 10-12 दिन और वहां से चल करके श्री जी पहुंचते हैं लाठी बंदर। लाठी बंदर में एक सुंदर साथ रहते थे विश्वनाथ भट्ट, जिनकी दुकान थी। वो आकर के श्री जी से मिलते हैं लौकिक पहचान के कारण। अभी तक क्योंकि बिना चर्चा सुने अंदर की पहचान नहीं हो सकती, केवल लौकिक पहचान है कि ये मिहिर राज जी हैं, श्री देवचंद्र जी के शिष्य हैं। उस भाव से उन्होंने आदर किया, कुछ दिन तक वहां पर रहे और वहां से नाव में चढ़े श्री जी आगे चलने के लिए। नाव में तो बैठे, लेकिन आप सबको पता है अरब जब श्री जी जा रहे थे खेता भाई जी से मिलने के लिए तो 40 दिन लगा था। अब 17 दिन हो गए नाव में बैठे बैठे, हवा उल्टी बहने लगी। उल्टी हवा बहेगी तो क्या होगा, जहां से नाव शुरू हुई है, जहां से यात्रा शुरू हुई है, नाव उसी जगह पर पहुंचेगी या तो उसके आसपास पहुंचेगी, दिशा थोड़ी बहुत भटक गई तो। इसलिए 17 दिन तक तूफान चला और नाव उलट करके वापस आई, लाठी बंदर पहुंची। श्री जी ने सोचा कि शायद किसी ब्रह्म सृष्टि की जागनी होनी अभी बाकी है, शायद राज जी चाहते हैं कि पुनः यहाँ पर रह करके किसी की जागनी की जाए। अब श्री जी लाठी बंदर में उतरे नाव से और वहां से चल करके पुनः पहुंचे ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर में पहुंचे तो पहले जिन सुंदर साथ से मिले थे नाथा जोशी, उनसे मुलाकात हुई। फिर वहां पर अन्य सुंदर साथ से मुलाकात होती है। एक सुंदर साथ है जिंदा दास, जो कि माली का काम, बागवानी का काम किया करते थे, उनसे मिले। फिर ठकुरी बाई ने श्री जी की चर्चा सुनी, वो भी सुंदर साथ में शामिल हो गए। अब यहाँ पर राज्य की मेहर, राज्य की कृपा प्रत्यक्ष रूप से दिखनी शुरू हो गई। वैसे तो राज्य की मेहर पल पल ब्रह्म सृष्टियों पर हो रही है, लेकिन कई बार जाहिरी में हमें पता नहीं चलता है।
हम बातिनी मेहर को सही समय पर नहीं पहचान पाते हैं। अब यहाँ जाहिरी रूप में ही मेहर दिख रही है कि सुंदर साथ का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्री जी जोश में चर्चा करते हैं और श्री जी की चर्चा सुनने के लिए अब धीरे धीरे करके पूरा ठट्ठा नगर इकट्ठा हो रहा है। पूरा ठट्ठा नगर इकट्ठा होने का मतलब है कि काफी लोगों की भीड़ जुट रही है। सब लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा साधु आया है जो दिव्य अलौकिक चर्चा किया करते हैं। अब जिसने भी श्री जी के विषय में ये सुना तो सब लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले सिर्फ ये सुनकर आए थे कि कोई अलौकिक दिव्य व्यक्तित्व आए हैं, लेकिन आने के बाद जब चर्चा सुनते हैं तो अपने आप को चर्चा सुन करके धन्य धन्य कहलाते हैं और फिर कहते हैं कि परमात्मा का शुक्रिया है कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। अब इसी क्रम में श्री जी को एक साधु के विषय में पता चलता है कि एक चिंतामणि नाम के साधु हैं जो कबीर पंथ के आचार्य हैं। श्री जी ने सोचा कि चलिए जाकर के उनका दर्शन किया जाए, पता चले कि उनका ज्ञान कहाँ तक का है। उन्होंने सोचा कि चलिए उनका दर्शन किया जाए। उनके घर में गए, घर में जाकर के उनसे मुलाकात की। अब देखते ही एक लौकिक भाव से भी एक साधु किसी दूसरे साधु को देखता है तो जो प्रसन्नता होती है, ऐसी प्रसन्नता हुई। अब चिंतामणि जी ने जैसे ही श्री जी को देखा तो कहा कि अच्छा बताइए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर आप हमें सुनाने के लिए आए हैं तो हमें आप सुनाइए, अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं तो कहिए, हम आपको सुनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन भी करा सकते हैं। आप अगर चाहें तो हम आपको ज्योति स्वरूप का भी दर्शन करा सकते हैं या फिर शेष शाही का दर्शन भी हम करा सकते हैं या फिर झिलमिल ज्योति का, अनहद बाजों का, 10 प्रकार के अनहद बाजे जिनका ध्यान की अवस्था में श्रवण किया जा सकता है, ऐसे अनहद बाजों का मैं आपको अनुभव करा सकता हूँ। मेरे पास इतनी क्षमता है और अगर आप हमें सुनाने के लिए आए हैं तो आप हमें सुनाइए। तो श्री जी ने कहा, तब श्री जी ने कहा, हम लेने आए वस्त्र। अब भी झुक करके विनम्र होकर के कहते हैं कि हम आपसे सुनने के लिए, सीखने के लिए आए हैं, आप ही हमें कुछ सिखाइए। जो कुछ भी आप कहेंगे उनको हम ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो श्री जी के ऐसा कहने पर कमाल की एक साखी है, उस साखी पर चर्चा होने लगी। और वो साखी क्या थी कि कहिया कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। इस साखी का अर्थ क्या है कि पहले शाब्दिक अर्थ सुनते हैं फिर उसका भावार्थ सुनेंगे। कौड़ी जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, कहते हैं कौड़ी से हीरा उत्पन्न हुआ है। हीरा अत्यंत मूल्यवान पदार्थ है, एक नग है जिसके विषय में सभी जानते हैं। और हीरा से लाल की उत्पत्ति हुई है। लाल जो है वो हीरे से भी मूल्यवान है, जिसके मूल्य के विषय में बताया ही नहीं जा सकता है। और कई साधुओं की वाणी में तो यहाँ तक लिखा है कि पूरी पृथ्वी के धन को भी अगर एक तरफ रखा जाए तो वह भी लाल की बराबरी नहीं कर सकते, तो उसको इतना मूल्यवान बताया जाता है। कहते हैं कोड़ी से हीरा हुआ है, हीरा से लाल, और कबीर जी जो है वो आधे भक्त हैं तथा कमाल वो पूरा भक्त हैं। अब इसका भावार्थ क्या है? इसके कहने का तात्पर्य ये है कि कबीर जी के जो माता पिता हुए हैं वो कौड़ी हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कबीर जी के माता पिता कौड़ी हैं, क्योंकि उन्हें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। और कबीर जी हीरा हैं, बहुत मूल्यवान हैं, क्योंकि वो अध्यात्म की दिशा में बहुत आगे तक गए हैं। लेकिन कमाल जो कि कबीर जी के पुत्र हैं वे तो उनसे भी आगे गए हैं, अर्थात कबीर जी से भी ऊपर की इनकी पहुंच है। और ऐसा कहने में वे उस प्रसंग को कहा करते हैं कबीरपंथी। हुआ क्या था कि एक बार कबीर जी के पुत्र जिनका नाम कमाल था, कुछ लोग कहते हैं कि ये कबीर जी के द्वारा पाले गए धर्म पुत्र थे कमाल और कमाली,
तो कमाल एक पाठशाला में पढ़ा करते थे और उसी पाठशाला में कोई राजकुमार भी पढ़ा करता था वहाँ का। एक दिन राजकुमार ने सोचा कि आखेट अर्थात शिकार पर चलते हैं, तो उसने अपने मित्र को बोला, क्योंकि पाठशाला में सभी की वेशभूषा एक जैसी होती है, पता नहीं चलता कौन अमीर है कौन गरीब है। अब कबीर जी तो उस सिद्धांत के परिवाहक थे जिस पे वो कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उनका तो ये सिद्धांत था कि इतना कमाना चाहिए जितने में अपने और अपने परिवार का गुजारा चल सके और साथ में कोई व्यक्ति हमारे घर में आए तो वो भूखा न जाए। कबीर जी कहते थे कि इतना ही कमाना चाहिए, तो उनके पास में किसी भी तरह के द्वारा संग्रह किया हुआ धन नहीं था, इसलिए लौकिक दृष्टि से वो गरीब थे। तो कमाल ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप लोग जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसे वस्त्र मेरे पास नहीं है, और हथियार वगैरह की तो बात ही अलग है आखेट पे जाने के लिए। राजकुमार ने सोचा कि मैं राजकुमार और मेरा मित्र गरीब रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, सैनिकों को, कि जाकर के कबीर जी के कमाल के घर में धन संपत्ति ले जाओ ताकि मेरा मित्र अमीर हो जाए। अब सैनिक राज खजाने से संपत्ति ले गए, सोना चांदी जवाहरात इत्यादि, और कमाल के कबीर जी के घर पर पहुंचा दिया। उस समय कबीर जी घर पर नहीं थे, घर वाले तो सब खुश हो रहे हैं कि हम अब अमीर हो गए, अब हमें इस तरह से मुफलिसी में गरीबी में जीवन नहीं काटना पड़ेगा, सब खुश हैं। शाम को कबीर जी आए, घर की अवस्था देखी कि घर में तो ऐसा है। कबीर जी ने कहा कि नहीं, अगर कोई मेरे घर में रहेगा तो वो मेरे सिद्धांतों पर मेरे उसूलों पर रहेगा, अन्यथा नहीं। या तो इस घर में ये धन ये संपत्ति रहेगी या तो मैं रहूंगा। अब कमाल, इच्छा तो नहीं थी उनकी, लेकिन अब पिता को तो नहीं छोड़ सकते संपत्ति के नाम पर, हो सकता है आज के जैसे पुत्र होते तो छोड़ भी देते, कोई दोहरा है नहीं है, आज तो छोड़ देंगे। आज बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं, वो भी इसलिए नहीं कि धन के बदले में भी नहीं, घर में अगर रहेंगे तो शायद 1000-2000 रुपये का खर्च हो जाएगा, अतिरिक्त खा लेंगे, कभी बीमार होंगे तो खर्चा उसका उठाना पड़ेगा, इसलिए आश्रमों में ले जा करके छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, इतनी मर्यादा थी तब हमारी परंपरा में। तो कमाल जी ने सोचा कि अच्छा ठीक है, पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, तो फेंकने से अच्छा ये है कि लोगों में बांट दें, लोग तो खुश हो जाएंगे। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और फिर लोगों को वही संपत्ति बांटना शुरू कर दिया। अब लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं परिणाम, रिजल्ट, एफर्ट नहीं देखा जाता है, प्रयास नहीं देखा जाता है कि पीछे क्या हुआ था, वो लोग नहीं देखते। समाज देखता है केवल परिणाम को, उस परिणाम के पीछे क्या क्या हुआ है, आप कहाँ कहाँ से होकर के गुजरे हैं पता नहीं चलता है। वैसे उन लोगों ने भी परिणाम देखा, क्या देखा कि कमाल धन बांट रहे हैं। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कबीर जी को तो हम बड़ा भगत समझ रहे थे, इन्होंने तो गरीबी का नाटक करते करते इतना धन संग्रह कर लिया था, और देखो कमाल कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा भक्त है कि सारी संपत्ति लोगों में लुटा रहा है। इसलिए कबीर जी तो केवल दिखावे के भक्त हैं, आधे भक्त हैं, पूरा भक्त तो कमाल है। उस अवस्था में ये दोहा कहा, ये साखी कही गई थी कि कहिया कौड़ी ते हीरा भैया, हीरा ते भैया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। लेकिन ये आधा भक्त और पूरा भक्त कुछ और ही है। अब इसका वास्तविक जो अर्थ है आधा भक्त और पूरा भक्त का, इसको हम बाद में करेंगे, पहले प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि इस साखी के सुनते ही श्री जी ने कहा कि तब श्री जी ने कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भक्त इनको कहया, जो चित्त नाही तुम धीर, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, तुम्हें आध्यात्मिक जगत का अध्यात्म का पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हो। कहा मजल कबीर की केती अकल कमाल, तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। दोनों की तुलना तो करके देखो,
किसकी अवस्था कहाँ तक की है, कमाल की तो कोई बात ही नहीं। एक जो धन उन्होंने बांट दिया उसके अतिरिक्त अध्यात्म में उनका क्या योगदान है, जबकि कबीर जी अक्षर की पंचवासना में से एक हैं। उन्होंने परमधाम और ब्रह्म सृष्टियों से संबंधित कई प्रमाण दिए हैं, जैसे कि जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधो वह घर हमसे दूर। फिर कहते हैं कबीर जी कि चलते चलते पग थकाया थका नगर रहा नौकोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको देऊं दोष। उन्होंने अक्षरधाम से लेकर के रंगमहल तक की दूरी को भी संकेत में बता दिया। ये भी बताया कि उस रंग महल में जा घर में अबला बसे, अबला ब्रह्म सृष्टियां जिनको सुहागिन कहा है वे रहती हैं और वहां पर प्रेम के पूर्व प्रेम के प्रवाह पर प्रवाह बहते रहते हैं, यहां तक का वर्णन किया। अध्यात्म की उच्चतम अवस्था का, ध्यान की उच्चतम अवस्था का उन्होंने वर्णन किया। कबीर जी ने एक साखी कही, एक दोहा उन्होंने कहा, जिसके विषय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जो उस विषय में चर्चा तो किया करते हैं लेकिन वास्तविकता तक, सच्चाई तक कोई नहीं पहुंच पाते हैं। कबीर जी ने एक बार कहा, कहते हैं कबीर जी की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। सब लोग कहते हैं कबीर जी की वाणी उल्टी हुआ करती थी, वे कहते थे कि कंबल बरसते हैं और पानी भीग जाते हैं। लेकिन ये अध्यात्म की उच्चतम अवस्था के विषय में है, ध्यान की उच्चतम अवस्था में, क्योंकि ध्यान की उच्चतम अवस्था है निजानंद योग की प्रेममय चितवनी। और प्रेममय चितवनी में क्या होता है, ध्यान में, योग में ध्यानी के लिए सर्वोत्तम आसन बताया गया है पद्मासन। कोई किसी भी आसन में, सुखासन में, सरलासन में बैठ सकता है। फिर प्रेममयी ध्यान करने के लिए आपको मैं अगर व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से दिखाऊं, इसको योग मुद्रा कहा जाता है अथवा ध्यान मुद्रा कही जाती है। लेकिन जो प्रेममयी ध्यान करने वाले हैं वे ये ध्यान मुद्रा घुटने पर रखने से अच्छा पद्मासन में दोनों जो पैर के तली हैं उन तलों के ऊपर, एक हाथ के ऊपर एक हाथ इस तरह से ये रख करके बैठना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन वो तब जब ध्यान में उनके आसन में स्थिरता आ जाए, उनके शरीर के अंदर सात्विकता आ जाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो इस आसन में थोड़ी सी शिथिलता अगर हुई तो नींद आ जाती है, झपकी आती है। लेकिन जिसके अंदर इतना प्रेम हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ध्यान और प्रेम की उच्चतम अवस्था का वर्णन किया है उन्होंने, तो ऐसी अवस्था में किसी को नींद नहीं आ सकती है। तो इस अवस्था में ध्यान करने पर आंख बंद करके बैठे हैं, परब्रह्म के प्रेम में जब डूब रहे हैं, तो जब प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रेम का पूरक है विरह। ध्यान की अवस्था में विरह प्रेम रूपी अग्नि को और अधिक जलाने का काम करती है और प्रेम विरह रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ाने का काम करती है। विरह और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब इन दोनों के सहारे से जीव निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो उसको परब्रह्म का दीदार होता है, साक्षात्कार होता है। अब देखिए बरसे कंबल भीगे पानी का क्या तात्पर्य है, नेत्रों को, आंखों को कंवल, कंवल की संज्ञा दी है, जैसे नेत्र कमल कहा जाता है। अगर हम सिर्फ वो शब्द को लेंगे तो अर्थ कोई भी हो सकता है। सांकेतिक रूप में उन्होंने नेत्रों को कमल की संज्ञा दी और कंवल कहा है, कंबल नहीं है। लेकिन चूंकि आज से लगभग 50 साल पहले तक भी व को ब उच्चारण किया जाता था, आज भी आप मध्य प्रदेश में या पन्ना की तरफ जाएंगे तो व के स्थान पर ब का उच्चारण किया जाता है, तो कंबल के स्थान पर कंबल हो गया है। और संस्कृत में हाथ को पाणी कहते हैं। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, बरस रहे हैं और पाणी अर्थात हाथ भीग रहे हैं परब्रह्म के प्रेममय चितवनी में, उस अवस्था को उन्होंने वर्णन किया। और लोगों ने कहा कि कबीर जी की तो वाणी ही उल्टी है, भला कंबल बरस करके पानी कैसे भीग सकता है, जबकि पानी वर्षा में पानी गिरते हैं, पानी की बूंदें गिरती है और कंबल भीग जाते हैं।
तो इस तरह से इस भाव को न समझने के कारण लोग कबीर जी की वाणी को उल्टा कह देते हैं। तो सोचिए कि जिन्होंने अध्यात्म की उच्च इतनी उच्चतम अवस्था का वर्णन किया है उनको आधा भक्त कह देना, वैसे वे आधा भक्त थे लेकिन माया के, माया के आधे भक्त का तात्पर्य यह है कि सुरता से, अंदर से तो उनकी सुरता हमेशा माया से ऊपर रहा करती थी, बेहद में विचरण किया करती थी, बेहद की भूमिका में, लेकिन उनका शरीर इस संसार का था, इस माया का था। इस शरीर को चलाने के लिए उन्हें सांसारिक काम भी करने पड़ते थे, तो इसलिए वे माया के आधे भक्त हैं शरीर की दृष्टि से, लेकिन कमाल तो वो माया का पूरा भक्त है। यहाँ ब्रह्म के आधे और पूरे भक्त से लेना देना नहीं है, यहाँ पर कबीर जी को माया का आधा भक्त और कमाल को माया का पूरा भक्त कहा गया है। इसलिए श्री जी कहते हैं, बिना पहचाने बोलत तुम नाही सराफ। सराफ का तात्पर्य है जौहरी। जौहरी इसलिए कहा गया क्योंकि पहले कौड़ी, हीरा और लाल की बात की है, जवाहरात की बात की है। तो श्री जी ने कहा कि तुम अच्छे सच्चे जौहरी नहीं हो, तुम अच्छे सराफ नहीं हो, क्योंकि तुम्हें तो हीरे लाल माणिक किसी भी नग की पहचान ही नहीं है। असली हीरा कौन सा है, असली लाल कौन सा है, इसकी तुम्हें पहचान नहीं है। तब चिंतामणि ने कहा, देखो शब्द निकस्य। अब चिंतामणि जी कहते हैं कि अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका आप मुझे अर्थ बता दीजिए। और उन्होंने शब्द कहे, साखी कही, और उस साखी के साथ में ये कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो इस साखी का अर्थ बता देगा वही वास्तव में सबका सदगुरु होगा। कबीर जी ने कहा था कि इसका जो अर्थ बताएगा वो मेरा भी सतगुरु होगा और मैं उनका चेला होऊंगा। तो वो साखी है, आप उनका अर्थ बता दीजिए, अगर आप कबीर जी के विषय में मुझसे ज्यादा जानते हैं तो। तब उन्होंने साखी कही कि एक पलकते गंग जो निकसी, हो गई चहु दिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, बोलत अमृत बानी, वह मक्खी का मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे, सो सतगुरु में चेला। अब तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखने पर इसका अर्थ क्या होता है, एक पलकते गंग जो निकसी, एक है चित अंग, चेतन अंग श्रीराज जी, उनकी इच्छा, राज्य की इच्छा को क्या कहते हैं, हुक्म। हुक्म और कुछ नहीं है, मूल स्वरूप के हृदय में जो भी बात आई उसे हुक्म कहा जाता है। तो मूल स्वरूप के हृदय में जो इच्छा हुई उस पलक रूपी गंग से, उस इच्छा रूपी गंग से हो गई चौदिस पानी, चारों तरफ फरामोशी का पर्दा छा गया। वही पानी दो पर्वत ढापे, अब उस फरामोशी में दो पर्वत, एक पर्वत है सत अंग अथवा अक्षर ब्रह्म, और दूसरा पर्वत है आनंद अंग। आनंद अंग में श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां। तो सत अंग तथा आनंद अंग दोनों के ऊपर फरामोशी रूपी गंगा छा गई, अर्थात तो दोनों के ऊपर फरामोशी का पर्दा छा गया। उड़ मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, बोलत अमृत वाणी। तरुवर कहते हैं वृक्ष को, हुक्म रूपी मक्खी, हुक्म को मक्खी की संज्ञा दी है इस साखी में कि वह हुक्म रूपी मक्खी तरुवर पर चढ़ी, तरुवर अर्थात वृक्ष। इस संसार को वृक्ष की संज्ञा दी है, धर्म ग्रंथों में भी इस संसार को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम कहकर वर्णित किया गया है, तो इसको वृक्ष की संज्ञा दी है। तो इस संसार रूपी वृक्ष में परब्रह्म के हुक्म रूपी मक्खी ने प्रवेश किया और बोलत अमृत वाणी। अमृत वाणी का तात्पर्य यह है कि राज्य के हुक्म ने इस संसार के अनेकों धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के आने की साक्षियां और भविष्यवाणियां लिखाई, जिसको अमृत वाणी कहा। वह मक्खी के मक्खा नहीं, वह जो हुक्म रूपी मक्खी है उसका कोई दूसरा पति नहीं है, दूसरा कोई मालिक नहीं है, क्योंकि हुक्म का स्वरूप का तात्पर्य है जिसने हुक्म दिया उसमें
तथा हुक्म में कोई फेर बदल नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो उस हुक्म रूपी शक्ति का कोई दूसरा मालिक नहीं है। बिन पानी गर्भानी, और जिस संसार रूपी वृक्ष में आया है, संसार में उस हुक्म ने प्रवेश किया है, उसको धर्म ग्रंथों में हिरण्य गर्भ की संज्ञा दी है। वैसे गर्भ शब्द का प्रयोग तो किया है, लेकिन इस संसार में जैसे गर्भ रहता है वैसे गर्भ की बात नहीं की गई है। और जिस मोह सागर के ऊपर हिरण्य गर्भ को बताया गया है, वो मोह सागर कोई पानी नहीं है। बिना पानी के हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति हुई है, और इस हिरण्य गर्भ में जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसमें कहते हैं तीन गर्भे गुण तीनों जाए। इसमें जाए मतलब संस्कृत में जा शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना, उत्पन्न होना। तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है, इन तीनों गुणों से मूल इन तीनों गुणों से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व रज तमसम साम्य अवस्था प्रकृति, इन तीन साखियों के अंदर बिल्कुल संक्षिप्त रूप में सृष्टि की शुरुआत से लेकर के ब्रह्म सृष्टियों के आने तक का उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से बिना पानी के हिरण्य गर्भ में तीनों गुणों सत्व रज और तम की उत्पत्ति हुई। सत्व रज और तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है सांख्य दर्शन के अनुसार। फिर प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से किस तरह से क्रमशः पांच तन्मात्राओं की और पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर पांच तत्वों से किस तरह से जैसे उपनिषदों में भी वर्णन आता है कि तस्माद् वा एतस्माद् पुरुषः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायो, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भुः पृथिवी, पृथिव्याम् अन्नम्, अन्नाद् रेतसः, रेतसः पुरुषः। कैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अन्न, अन्न के पश्चात औषधियों की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद किस तरह से पुरुष की अथवा जीव के इस संसार में मनुष्य रूपी शरीर की उत्पत्ति हुई। इस क्रम को जैसे भारतीय दर्शनों में और उपनिषदों में बताया, कबीर जी ने संक्षेप में उसका वर्णन कर दिया और कहा तीन गर्भ ही गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला। और जिस पुरुष की ये हुक्म रूपी मक्खी है वह परमात्मा तो अकेला है, एक है और सबसे अलग है। कहे कबीर या पद को बुझे सो सतगुरु में चेला। कबीर जी ने कहा कि जो इस पद के अर्थ को समझेगा वह सच्चा सतगुरु होगा। अब श्री जी ने तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से सारे रहस्य खोल दिए तो चिंतामणि जी ने कहा कि देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिलिया आए, अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए। कहते हैं कि कबीर जी ने हमारे सतगुरु ने जो भविष्यवाणी कर रखी थी कि इनके रहस्यों को, इनके भावों को जो समझाएगा वही सच्चा सद्गुरु होगा, अब कबीर जी के वे शब्द यहाँ पर सत्य हो रहे हैं, वे व्यक्तित्व यहाँ आकर के हमें मिले हैं। अब हमें इनके शब्दों को देखना है क्योंकि इनके शब्दों के माध्यम से ही ये शब्द पार पहुँचा है। इनके शब्द से ही हम इस क्षर ब्रह्मांड के परे अथवा इस क्षर ब्रह्मांड के पार हो सकते हैं। फिर कहते हैं मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचाई। चिंतामणि जी के हजार शिष्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुमसे बार बार जिन व्यक्तित्व के भविष्य में आगमन की बात किया करता था वे व्यक्तित्व अब आ चुके हैं, यही वे व्यक्ति हैं। अब श्री जी तो इतनी चर्चा करके उठे और जाकर के अपने आसन में विराजमान हो गए। और वहां से एक दिन श्री जी कल्लू मिश्र नाम के व्यक्ति के घर में पहुंचे। उन्होंने एक दिन चर्चा सुनी लेकिन उनके अंदर उतना दृढ़ ईमान नहीं था जितना अन्य सुंदर साधकों के बीच में था, तो उन्होंने केवल एक ही दिन चर्चा सुनी। लेकिन चिंतामणि जी उनके अंदर तो परमधाम का अंकुर है, एक बार आग लग गई थोड़ी सी तो तड़प उठी कि जिन्होंने
जिनके विषय में हम इतने वर्षों से खोज करते आ रहे थे, जिनकी प्रतीक्षा करते आ रहे थे, वे हमारे पास आए, लेकिन अब हमें उनसे और अधिक लाभ लेना है। तो चिंतामणि जी अब श्री जी की खोज करने लग गए कि चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठोर, उन साधु का स्थान कौन सा है। और खोजते खोजते वे पहुंचे कल्लू मिश्र के घर में। उन्होंने बताया कि श्री जी तो नाथा जोशी के घर में ठहरे हुए हैं। वहां से खबर लेकर के चिंतामणि जी नाथा जोशी के घर में पहुंचे, जहां अटारी पर श्री जी विराजमान थे और सुंदर साथ से चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बीच में ही चिंतामणि जी गए, श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और सभी सुंदर साथ के बीच में बैठ गए। और चूंकि उनका निस्वत है, अंकुर है परम धाम का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हजारों शिष्य हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अहम का बीज मात्र उनके अंदर छिपा हुआ है। श्री जी की चर्चा सुन रहे हैं अभी। तो कहते हैं, सुख पाया चर्चा मैंने अपनी मूली गई भूल। मूली का मतलब मूल कौन सा है, अर्थात लौकिक दृष्टि से मैं हजार शिष्यों का एक गुरु हूं, उस अस्तित्व को भूल गए, अहंकार को कुछ पल के लिए भूल गए हैं और नीचे बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन उनके जो सेवक थे, हजारों जो सेवक थे, उनके बीच में खलबली मच गई कि हमारे तो गुरु ही किसी और की चर्चा, वो भी नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। लेकिन चिंतामणि जी को उनसे लेना देना नहीं है, उन्होंने उनको तो चर्चा अच्छी लगी, तो दो तीन दिन तक लगातार श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आए। अब एक दिन चर्चा के क्रम में श्री जी ने खंडनी कर दी चिंतामणि जी की, वो भी सीधे। तो खंडनी एक बार तो हो गई, लेकिन चर्चा के बाद चिंतामणि जी एकांत में मिलते हैं श्री जी से और कहते हैं कि श्री जी साहब, मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, लेकिन कृपया आप मुझे, अभी मैं एकांत में मिला हूँ आपसे, तो आप मेरी कितनी भी खंडनी कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं पलट करके आपको जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कृपया मेरे सेवकों के बीच में आप मेरी इज्जत रख दीजिएगा, मेरी शर्म रख दीजिएगा। श्री जी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम आपको ऐसे शब्दों में कहेंगे जिससे किसी और को पता ही नहीं चलेगा, हम पर्दे में ओट दे करके, आड़ दे करके कहेंगे, जिससे केवल आप ही समझेंगे। अब चिंतामणि जी अपने घर में गए। रात को राज्य के हुक्म से एक किरंतन का प्रकरण अवतरित हुआ और उस प्रकरण में ये भाव था। उस प्रकरण की पहली चौपाई है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहो समझाई, याफंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर्जाए। बंजारे कहते हैं व्यापारी को, कि सत्य का व्यापार करने वाले लोगों तुम सुनो, ये माया ने ऐसा फंदा, फंदा मतलब जाल समझ लीजिए, जिसको ट्रैप कहते हैं, ऐसा फंदा जिसमें पांव रखते ही उसमें कोई भी व्यक्ति फंस जाता है अथवा कोई जानवर फंस जाता है। उन्होंने कहा कि माया ने ऐसा फंदा रचा हुआ है कि इसमें हर कोई उलझ रहा है। जैसे कि वाणी के पहले प्रकरण में कहा, ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन्ने मनाव्याहार, शिव ब्रह्मादिक ना लहे पार। कि जितने बड़े बड़े तपस्वी हुए उनको भी माया किसी न किसी रूप में लपेट लेती है। बड़े बड़े साधु संत हुए, विरक्त हुए, महात्मा हुए, कईयों को तपस्या करते करते घेर लिया। एक ऋषि हुए थे, पुराणों में वर्णन आता है, उनका नाम था निमि। निमि उनका नाम इसलिए था कि नीम के पेड़ में उल्टा लटक करके वो तप कर रहे थे। तो इंद्र को लगा कि ये इतना तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, ये तो मेरा सिंहासन ही ले लेंगे, बड़े तपस्वी बन करके, तपस्या का फल अधिक हुआ तो स्वर्ग में आएंगे और मुझे हटा करके सिंहासन पर बैठेंगे। उन्होंने एक अप्सरा को भेजा उनका तप भंग करने के लिए। निमि ऋषि क्या करते थे, नीम के पेड़ में उल्टा लटकते थे, जब भी भूख लगती थी तो अपने शरीर को झुलाते थे और झूलते झूलते
उस पेड़ में उनका मुंह पहुंच जाए, इतनी जोर से झूलते थे और उस पेड़ की छाल में मुंह मारते थे। तो उन उस दांत से पेड़ को काटते थे, नीम के पेड़ को, और जितनी छाल उनके मुंह में आती थी उतने को चबा करके उसके रस से जितनी ऊर्जा मिलती थी बस उतना ही। उस अप्सरा ने नीमी ऋषि को देखा कि ये ऐसा करते हैं, तो उसने क्या किया, जिस जगह पे वो मुंह मारते थे वहां पर बहुत स्वादिष्ट हलवा बना करके चिपका दिया। अब हलवे में मुंह मारने लग गए, सो अब कोई व्यक्ति भूखा है और उसको हलवा मिल गया पहले बाइट में, नीम कड़वा नीम खाने की आदत, स्वादिष्ट हलवा मिला, तो लालच हुई, लालसा हुई, और एक तो शरीर जर्जर था लेकिन हलवा खाने के बाद में शरीर में ऊर्जा आई, और ऊर्जा आने के बाद अब होता क्या है अमूमन कि एक सामान्य व्यक्ति जो नियमित रूप से रजोगुणी भोजन करता है तो उसके लिए एक बार और रजोगुणी भोजन करने में कोई नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण की तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए ब्लैक बोर्ड पे अगर आप काला रंग काली छींटे डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को ठीक से पता भी नहीं चलता, लेकिन सफेद वस्त्रों में एक छींट भी पड़ जाती है तो उसका असर अधिक दिखता है। वैसे ही जिनके अंदर केवल सात्विक खून बह रहा था उनको जैसे ही राजसिक भोजन मिला तो रजोगुण का प्रभाव अत्यधिक रूप से बढ़ गया, और रजोगुण का स्वभाव क्या होता है, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुणाद समुद्भवा। तो काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है, अब उनके अंदर सांसारिक इच्छाएं जोर मारने लग गई, अब अगले दिन फिर से हलवे की इच्छा हुई, अब अप्सरा को तो पता है, उसने फिर से हलवा चिपका दिया, अब हलवा खाते खाते तपस्या से उनका ध्यान भटका, अब पेड़ को उन्होंने त्याग दिया और अब उन्होंने खोज करना शुरू किया कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो मेरा इतना अधिक ख्याल रख रहा है। अब जो अप्सरा सामने आई तो उनको उनसे लगाव हुआ, लगाव के बाद में उन्होंने उसके साथ में विवाह किया, और विवाह करने के बाद में उस अप्सरा से एक संतान हुआ, और उस संतान को हम सभी पुराणों में काल्यवन के नाम से जानते हैं। तो सोचिए कि एक निमी जैसा तपस्वी ऋषि जो केवल नीम के छाल खाकर के जीवित था उसको भी माया सता रही है। तो माया ने याफंदबाजी रची माया की। साधुओं का कथन है कि ये ब्रह्मा के घर में ब्रह्माणी बनकर के, शिव के घर में भवानी बनकर के, और विष्णु के घर में लक्ष्मी बनकर के माया ने स्थान ग्रहण किया है। कभी किसी रूप में माया आती है, कभी किसी रूप में। तो वाणी का कथन है कि याफंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उर्जाई। किसी साधु ने कहा कि काजल की कारी कोठरी में काहो सया न जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। एक काजल की काली कोठरी है, उसमें चाहे कितना भी चतुर व्यक्ति जाए लेकिन कहीं ना कहीं से उसको काजल की लीक लगनी ही है। इसलिए माया से पूरी तरह से किसी का भी बच पाना संभव नहीं है। तो उस प्रकरण का भाव ये था। और आगे कहते हैं कि हे सत के बंजारो, सत के व्यापारियों, तुमने माया के एक आग को तो छोड़ दिया है। एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। छोटी आग को बुझाया और बड़ी आग को लगाया। माया किसको कहते हैं? लौकिक रूप से विशेष तीन प्रकार की इच्छा होती है प्रत्येक प्राणी के मन में। एक है लोकेष्णा, एक वित्तेष्णा, और तीसरी है दारेष्णा अथवा पुत्रेष्णा। लौकिक धन संपत्ति की इच्छा होना वित्तेष्णा कहलाती है। संसार में पद प्रतिष्ठा की इच्छा होना लोकेष्णा, तथा सगे संबंधियों की इच्छा करना यह पुत्रेष्णा अथवा दारेष्णा। तो एक सामान्य गृहस्थी व्यक्ति किसी पद पर पहुंच जाता है, उसको भी अपने पद की लालसा होती है कि मेरी पदोन्नति हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए।
वो पैसे कमाता है तो पैसे की भी उसको इच्छा है, और एक परिवार के साथ में वो जुड़ा होता है, उसके साथ लगाव होता है, तो तीनों इच्छाओं को वो पूरी करना चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो साधु बना है, क्योंकि चिंतामणि जी के लिए अभी वर्तमान में चिंतामणि जी को प्रबोधित किया जा रहा है इस प्रसंग में, लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो हम सब के लिए है कि एक व्यक्ति साधु बनता है माया को छोड़ने के नाम पर, और उसके बाद 40,000 की नौकरी छोड़ा उसने, 50,000 की या लाख रुपए की नौकरी छोड़ा, तो नौकरी छोड़ने के बाद शिष्यों के द्वारा होने वाले चढ़ावे की इच्छा उसके अंदर होने लगी, तो वो भी धन की इच्छा है, वित्तेषणा है। संसारी पद को छोड़ा, संसार में होता तो मैनेजर हो सकता था, वो डायरेक्टर हो सकता था किसी कंपनी में, या फिर वो आईएएस हो सकता था, जिला अधिकारी हो सकता था, ऐसे संसारिक पद को छोड़ा, और उसके बाद धार्मिक क्षेत्र में आने के बाद उसने अपने नाम के आगे सतगुरु, जगतगुरु, 108, 1008 ऐसे अनेक पद लगाना शुरू किया, तो वो भी लोकेष्णा है। लोकेष्णा हो गई, वित्तेष्णा हो गई। अब दारेष्णा अगर देखें तो 5 लोगों के परिवार के बंधन को छोड़ा, लेकिन अब सोचता है कि मेरे जो 1,000 शिष्य हैं वो मुझसे जुड़े रहें, मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती जाए, मेरे अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाए, तो ये भी एक तरह से दारेष्णा है। तो एक छोटी आग को छोड़ करके बड़ी आग लगा लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। फिर कहते हैं कि आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उनटिए दई उल्टाई, बंधु पर बंध दिए विध विध के, सो खोली किन्हु न जाई। इस माया ने तो हमें ऐसे बंधन दे रखे हैं कि इसको खोलना किसी के भी वस की बात नहीं है। फिर अंत में कहा कि महामति कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुर आई। परमधाम की अंकुर से, परमधाम की निस्बत से ही ऐसा अवसर हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, और अब ऐसे अवसर में हमें करना क्या है। कहते हैं झूठी छूटे सांची पाइए। जब तक झूठ नहीं छोड़ेंगे तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वाणी स्पष्ट रूप से, वाणी का कथन है, सत्य असत्य पटन तरो जैसे दिन और रात, सत्य सूरज सब देखहिं जब प्रगट भयो प्रभात। सत और असत्य वैसे ही जैसे दिन और रात, तो जब तक हम सत्य को नहीं पकड़ते, जब तक हम असत्य को नहीं छोड़ते तब तक सत्य को नहीं पकड़ सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहते हैं झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। तो अब उन सतगुरु को रिझाना है जिनके लिए कबीर जी ने भविष्यवाणी की थी, और वो सतगुरु अब प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब उस प्रकरण को जब सुना कि उसमें एक और चौपाई है विशेष रूप से जो छूट गई, कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ज्ञान के अहंकार को छोड़ो, क्योंकि यही खाड़ बड़ी है भाई। ज्ञान का जो अहंकार है वो सबसे बड़ा गड्ढा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो मूर्ख है उसको समझाना तो सरल होता है, लेकिन जिसको ज्ञान का अहंकार हो उसको कौन समझाए। एक कहावत कही जाती है कि हम तो स्वयं महादेव हैं, हमें वरदान कौन देगा। तो जिसके अंदर ज्ञान है लेकिन अज्ञानता की राह पर अथवा अंधकार की राह पर चल रहा है, उसको कोई प्रबोध करने भी जाएगा तो उसके पास तो ज्ञान पहले से ही है। इसलिए ज्ञान के अहंकार को सबसे बड़ा बताया, और किसी भी तरह का अहंकार हो, किसी भी तरह की बुजुर्गी हो, वाणी का कथन है बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे रे। जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई न उबारे। जिसने भी अपने हृदय में अहंकार ले लिया उसको तो कोई भी पार कराने वाला नहीं है। इसलिए इस अहंकार को क्या करना है, तो इंद्रावती जी ने कहा मार प्रतिष्ठा पैजारो। पैजारो कहते हैं जूते को, कि इस संसारी अहंकार को, प्रतिष्ठा को जूते से मारो। जो आवे दगा देत बीच ध्यान, जो ध्यान के रास्ते में, जो परब्रह्म की प्राप्ति के रास्ते में धोखा देती है,
ऐसे प्रतिष्ठा को जूते से मारो। और फिर श्रीजी वाणी में कहते हैं कि जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तीन गुमान। अगर हम अपनी बुद्धि बल पर सबको तारतम ज्ञान सुना देते हैं, सबको राज्य की पहचान ज्ञान दृष्टि से करा देते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी हमें अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अहंकार ही सबसे बड़ी खाई है, सबसे बड़ा गड्ढा है। और इस अहंकार को समाप्त करने का भी उपाय बता दिया खिलवत की वाणी में कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना में। अगर हम राज्य की मैं खुदी ले लेते हैं, परम धाम की मैं खुदी ले लेते हैं, तो इस संसार की मैं खुदी, संसार का अहंकार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रकरण अवतरित हुआ सुनरे सत के बंजारे। उसको सुनने के बाद में चिंतामणि जी ने कहा कि अब तक तो मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बार कहा कि जब व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। जब व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है तो उसको लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूं। और जब व्यक्ति को सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। और जब सब कुछ जानता है तो सब कुछ जानने के बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि जानी गई सभी ज्ञान को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। अध्यात्म में एक ऐसी अवस्था आती है कि ग्रहण किए गए संपूर्ण ज्ञान को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। अब इस प्रकरण के सुनने से पहले चिंतामणि जी जब पहली बार श्री जी मिले तब तो कह रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, सब कुछ कह रहे थे। लेकिन अब कहते हैं, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेवको आगे तब कहा मैं खाली कछु ना खबर। कि अब अपने सेवकों से ही कहते हैं, पहले कह रहे थे कि सेवकों के आगे मेरी इज्जत रखना, अब कहते हैं कि हे सेवकों, मैं तो खाली था बिल्कुल, मैं कुछ नहीं था। और आप हे श्रीजी साहब, मेरे अंदर जो अहंकार रूपी काला कुत्ता है, इसको आप अपने ज्ञान रूपी लाठी से मारिए और समाप्त कीजिए। अब चिंतामणि जी की जागृति हो चुकी है। कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि किस तरह से चिंतामणि जी की जागृति के पश्चात श्री लालदास जी, जो अब तक लक्ष्मण सेठ के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका अभी तक नाम नहीं आया, जिस तन पर के माध्यम से इस बीतक साहेब का अवतरण हुआ, जिनसे बीतक लिखवाई गई, उनकी जागनी कैसे हुई, इसके बाद जो सुंदर साथ अरबी लुटेरों के बंधन में है उनको छुड़ाने का कार्य किस तरह से हुआ, उस चर्चा को हम सुनेंगे कल। लेकिन आज चौपाई दोहराने से पहले सभी सुंदर साथ को, जो भी अपने अपने घरों में अपने अपने घर की मोबाइल अथवा टेलीविजन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस चर्चा को सुन रहे हैं, सबके लिए एक सूचना है, एक विशेष बात है कि आज संपूर्ण विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है, कोरोना के, और इसकी समाप्ति कैसे हो रही है राज्य जानते हैं, लेकिन आज विभिन्न स्वास्थ्य संगठन इस बात को कह रहे हैं कि ये और अधिक फैलने वाली है। और शुरुआत में तो यहां तक कहा जा रहा था कि भारत की 30% जनसंख्या इससे संक्रमित होने वाली है, और 30% में तो 40 करोड़ के आसपास हो सकते हैं, लगभग 40 करोड़, तो ये संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, परमात्मा उन सब के जीव को शांति दे उनके कर्मों के हिसाब से, लेकिन सामान्य रूप से हमें इससे घबराने की आवश्यकता इसीलिए भी नहीं है क्योंकि वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार इस कोरोना महामारी के आने से पहले भी प्रत्येक 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती रही है। तो मृत्यु का आंकड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं है इस महामारी में। आज जब भारत में
बीमारों की, रोगियों की संख्या 10 लाख के आसपास है, तो 10 लाख रोगियों में से लगभग 25 से 27 हजार के बीच मृतक हैं, और उनमें से भी अधिकतर जो मृतक हैं वे हैं जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम हो चुकी थी, जो बहुत वृद्ध हैं, और कई वृद्ध तो उस रोग को जीत करके वापस स्वस्थ हुए हैं, लेकिन जिनको पहले से ही डायबिटीज है, मधुमेह है, या जिनको अस्थमा जैसी बीमारी है, छाती से संबंधित, जिनको हृदय से संबंधित रोग है, इनके लिए ये रोग अधिक खतरा बन रहा था। तो इन सब के लिए कुछ उपाय है जो मैंने ग्रहण किया है। दिल्ली में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अस्पताल है, सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े चिकित्सक हैं, उनका नाम है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, और उन्होंने ये बात कही कि इसके जो वायरस हैं ये नाक और मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो विशेष बात कही वो ये कि जब प्रवेश करता है ये वायरस शरीर में, तो उस अवस्था में इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है, ये बहुत कमजोर होता है। जिस दिन इस वायरस ने प्रवेश किया उस समय में ये इतना कमजोर होता है कि आपने गर्म पानी भी पी लिया तो वो वायरस समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर पता नहीं चला, इसकी विशेषता सिर्फ इतनी है कि बहुत कम समय में, एक दो दिन के अंदर ही ये वायरस एक से कई लाख में पहुंच सकता है, और जब कई लाख में पहुंचती है इसकी संख्या, तो उसके बाद इसकी जो क्षमता है वो भी उसी तरह से बढ़ जाती है, उसी अनुपात में, उसके बाद छाती में जकड़न, क्योंकि कफ की मात्रा को ये बढ़ा देता है, और फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, और फिर गले में दर्द, टॉन्सिल जैसी, और फिर बुखार तीव्र, और उसके बाद अगर कोई रोगी जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए बचाव का एक ही उपाय है, जितने लोग इस वीडियो को, इस चर्चा को देख रहे हैं, इस उपाय को शेयर करें कि हमारे भारतीय परंपरा में प्रत्येक घर में इसकी औषधि रखी हुई है। जितने भी गरम मसाले हैं जिनका प्रयोग हम घर में करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सभी चीजें मसालों के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, लेकिन अधिकतम, जैसे उदाहरण के लिए अदरक, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, कड़ी पत्ता हुआ, ये सब चीजें इसकी औषधि के काम में आते हैं। इसके अलावा तुलसी है, इसके अतिरिक्त पीपल है, आम है, इनके पत्ते भी इसकी औषधि के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। और अगर आपको इस विषय में और अधिक जानकारी चाहिए, आप YouTube में डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के नाम से भी सर्च करेंगे, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज आएंगे। तो उन्होंने जो बताया है उनको मैं संक्षेप में कह देता हूँ, जिनको जानकारी और अधिक लेनी है आप उस वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरसों के तेल में आप पीपल के अथवा आम के पत्ते को उबालिए, और उसके बाद उस सरसों को थोड़ा ठंडा करने के बाद में अपनी उंगली में उस तेल को लेकर के नाक में लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नाक के माध्यम से वे वायरस अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप मुंह में भी लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ, तालू की तरफ, तो मुख के माध्यम से भी ये वायरस आपके शरीर में नहीं जाएंगे। और प्रतिदिन आपको करना क्या है, अगर आप सबसे अलग अपने गांव में रह रहे हैं, आपको लगता है कि हम 100% सुरक्षित हैं, तब भी कोशिश कीजिए कि पानी गर्म पिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्थिति संदिग्ध है, आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, या फिर आपको बाजार जाने का काम पड़ता है आवश्यक वस्तुओं को लेने में, तो आकर के सबसे पहले स्नान कीजिए, जो वस्त्र आपने पहना था पहले उन वस्त्रों को धोइए, उसके बाद आप गरम पानी पीजिए, गरम पानी से गरारे कीजिए, या फिर गरम पानी के स्थान पर आप काढ़ा भी पी सकते हैं। और काढ़ा किसका पी सकते हैं आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, आप पारिजात का काढ़ा पी सकते हैं, जिसको हार श्रृंगार कहा जाता है बोलचाल में।
तो हार श्रृंगार का काढ़ा भी इसमें बहुत लाभदायक होता है। विशेष रूप से आपके घर के आसपास अगर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है तो आप वहाँ से कफ कुठार रस लेकर के आइए, शीतोपलादि चूर्ण लेकर आइए, सुदर्शन घनवटी गिलोय घनवटी लेकर के आइए, जो कि आपकी इम्यूनिटी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। अगर आपको बुखार जैसा लगता है आप लक्ष्मी विलास रस लेकर के आइए, तो ये आपकी आपत्कालीन स्थिति में काम करेंगे। और काढ़ा के रूप में आपको अदरक, काली मिर्च, हल्दी और इसके अतिरिक्त और भी जितने गर्म पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इलायची हो गई, लौंग हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और हो सके तो लौंग आप मुंह में रखे रहिए, जब भी आप बाहर जाते हैं आपके मुंह में लौंग हो, जैसे आप जेब में कपूर रखा करते हैं, जैसे आजकल लोग सैनिटाइजर रखा करते हैं, उसके स्थान पर आप अगर मुंह में लौंग भी रखते हैं, आपके मुंह के माध्यम से अगर प्रवेश श्वास के द्वारा मुख तक अगर ये वायरस पहुँच भी जाता है, तो वायरस उस लौंग के गंध से अथवा उसके तीखेपन से उसके गर्मी से आपके मुख पर ही मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो विशेष रूप से सबसे ये आग्रह है कि आप YouTube पे जाकर के डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक हैं, उनके वीडियो को देखें। और जिनके पास समय नहीं है, जितनी बातों को मैंने कहा है इतनी बातों का भी आप पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो मेरे श्रीराज जी से यही प्रार्थना है कि आप सब सुरक्षित रहें, शीघ्र से शीघ्र संपूर्ण विश्व इस महामारी से मुक्त हो और सभी फिर से स्वस्थ हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अब हम सब साथ मिलकर के चौपाई दो रहेंगे। अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, सेवक को आगे तब कहया, मैं खाली कछुना खबर, मैं खाली कछुना। बोलो श्री प्राणनाथ।